हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं पटाटा बड़ा की रेसिपी, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाली। तो चलिए बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया, इसमें सबसे पहले ऐड कर देंगे एक कप बेसन का ले लिए हैं। तो अच्छे से आपको बेसन है जो छना हुआ लेना है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी गांठ नहीं होनी चाहिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देंगे नमक, थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हमने डाल दिया धनिया पाउडर और आधी चम्मच से थोड़ा कम हमने डाल दिया गरम मसाला। ये हमने ले लिया है आधी चम्मच ले लिया है हमने। अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे और ये हमने ऐड कर देंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने एक चम्मच के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिए हैं और थोड़ा तीखा आपके पसंद के अनुसार इसमें चटपटा फ्लेवर देने के लिए इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और दो बीन्स के करीब इसमें डाल दिए हमने मीठा सोडा डाल दिए। तो उससे बहुत ही अच्छे हमारे पटाटा बड़ा है जो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे, एकदम फूले फूले बनेंगे। तो हमने एक कप पानी का ले लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से इसका बैटर तैयार कर लेंगे। और पानी आपको एक साथ बिल्कुल भी ना ऐड करें, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, नहीं तो आप अगर एक साथ ऐड करोगे तो ज़्यादा अगर गीला हो जाएगा बैटर है तो बिल्कुल भी आपके पटाटा बड़ा एकदम ख़राब बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। आप इसको आलू बोंडा भी बोल सकते हैं और एकदम स्ट्रिक स्टाइल ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले। आप इस तरीके से बनाओगे तो परफेक्ट बनेंगे। तो देख सकते हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो बैटर को हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए इसको साइड में रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको रख सकते हैं। और ये हमने 7 से 8 आलू को अच्छे से उबाल के और इसको अच्छे से मैश कर लिए छिलका को हटा के। तो आलूओं को भी हमने साइड में कर दिया। ये हमने मिक्सी का जार ले लिया, इसमें हमने आधा इंच टुकड़ा डाल दिया अदरक का ले लिया है और 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 हमने हरी मिर्ची को बारीक कट करके ले लिए। तो इनको सभी को डाल के इसका दरदरा इसका पेस्ट तैयार करेंगे। आपको बिल्कुल भी इसका पेस्ट चिकना नहीं बनाना है। और ये हमने ले लिया धनिया पत्ती। और फ्रेंड्स, मैं यकीन से बोल रही हूँ आप इस तरीके से पटाटा बड़ा बनाओगे तो बहुत ही पसंद आएंगे, बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो हमारा जो हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट है जो बन के तैयार हो चुका है, ये हमने कढ़ाई ले ली, इसमें डाल देंगे तेल डाल दिए हम, तो 3 चम्मच के करीब इसमें तेल ले लिए हैं। तो तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें आधी चम्मच डाल दिए जीरा डाल दिए, आधी चम्मच इसमें राई ले लेंगे और ये हमने ले लिया है हींग ले लिए हैं एक चुटकी भर। और ये डाल देंगे कड़ी पत्तों को हमने बारीक कट करके लिया है, जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया है दरदरा, तो इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके का पटाटा बड़ा में ये पेस्ट डलता है। तो इसका दरदराई पेस्ट बनाना आपको बारीक बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा आपके पटाटे बड़े में, क्योंकि इसी तरीके का उसमें मिक्स डलता है। आप कहीं पे भी देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रिक स्टाइल ये रेसिपी है। तो इसको कलर चेंज होने तक इसको पका लेंगे हम 2 मिनट के लिए हाई टू लो फ्लेम पे। तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पक चुका है हमारा लहसुन और अदरक का जो भी कच्चापन है वो दूर हो चुका है। तो उसमें 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून हमने डाल दिया है धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेना है आपको, और आधी टीस्पून इसमें डाल दिया हमने गरम मसाला तो उनको सभी को अच्छे से हम पका लेंगे। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, तीखा आपके पसंद के अनुसार ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें हरी मिर्ची भी डली हुई है, तो इसके कारण आप इसमें मिर्ची थोड़ी बहुत ही कम डालें, ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो आपका टेस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा चटपटा आएगा। और जो हमने आलूओं को उबाल के रखा था उनको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा पटाटा बड़ा का जो भी मिक्स है जो तैयार हो चुका है, स्टफिंग है जो। और फ्रेंड्स, मैं यकीन से बोल रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो आप एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर खाएं और सभी को खिलाएं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें वीडियो को। मैं यकीन से बोल रही हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी ये नाश्ता। आप इस तरीके से एक बार बना के खिलाएंगे तो हर बार आपको इसी के लिए बनाने के लिए मजबूर कर देंगे। तो देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये मिक्स तैयार हो चुका है। तो गैस हम इसकी बंद कर देंगे।
और इसको इस तरीके से कढ़ाई में फैला के आपको इसको ठंडा कर लेना है। तो देखिए आप, ये ठंडा भी हो चुका है मिक्सर जो। तो चलिए अब इसके हम नींबू की साइज के इसके बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल गोल शेप देना है। तो आप इस तरीके से गोल बनाओगे तो बिल्कुल आपके गोल गोल पटाटा बड़ो बन के तैयार होंगे ये। तो मिक्स को भी हमारे को रखे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा मिक्स तैयार हो चुका है। बैटर है जो अच्छे से फेट चुका है ये और फूल भी चुका है। तो आपको इस तरीके से डिप करते हुए आपको इसको तल लेना है, क्योंकि तेल भी हमारा गर्म हो चुका है एक साइड में। और तेल को आपको हाई टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना रखे, नहीं तो उनका कलर है जो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा, अंदर से अच्छे से सिकाई नहीं होगी। तो इस तरीके से जैसे आपको 3 से 4 बड़े आप इसमें डाल के सेक सकते हैं एक साथ में। तो इस तरीके से आपको सेक के तैयार कर लेना है। आप इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या टमाटर केचप के साथ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे मार्केट स्टाइल में बन रहे हैं। आप देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी और एकदम परफेक्ट बने हैं ये, और सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम जो बाकी बचे उनको भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अगर आप बैटर की थोड़ी सी थिकनिंग अगर आप और भी गाढ़ी रखोगे तो उससे आपके पटाटा बड़ो और भी थोड़े मोटे बनेंगे ये, क्योंकि लेयर है जो उसके ऊपर बेसन की और मोटी आएगी। अगर आपको बेसन की लेयर थोड़ी ज़्यादा मोटी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा बैटर को गाढ़ा रख सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिकाई होगी तैयार हो चुके हैं ये। तो देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट इनका अच्छे से ब्राउन कलर हो चुका है, एकदम परफेक्ट इनकी सिकाई हो चुकी है। तो इनको भी हम निकाल कर एक प्लेट के ऊपर रख लेंगे। तो आप इसको टिश्यू पेपर या कोई भी छन्नी के ऊपर रख सकते हैं। तो आप इनका कलर देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना परफेक्ट हमारे ये पटाटा बड़ा बन के तैयार हो चुके हैं। और एकदम आसान तरीका है, आप इस तरीके से बनाओगे तो सभी को आसानी से बना के और खा सकते हैं। जब भी आपको चटपटा खाने का मन करे तो ये नाश्ता जरूर बना के खाएं। तो देखिए हमारे सभी बनके तैयार हो चुकी। तो हमने एक प्लेट में इसको सर्व कर देंगे। तो आप इसको हमने किसी भी चटनी के साथ में भी खा सकते हैं। तो हमने इसको टमाटर केचप के साथ में सर्व करे हैं। तो ये देखिए हमारे सिंपल तरीके से पटाटा बड़ा बनाने की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।